नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीकर से बड़ी खबर, खाटू श्याम जी के मास्टर प्लान का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज जो है बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के बाजार, पूरी तरीके से जो है खाटू श्याम जी कस्बा बंद रहने वाला है। आज विभिन्न संगठनों ने बंद को समर्थन भी दिया है। हालांकि दर्शन के लिए जो है खाटू श्याम जी मंदिर खुला रहेगा। बाजार बंद रहने से श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है खाटू श्याम जी के बाजार जो है वो बंद रहने वाले हैं। पूरी तरीके से जो है बाजार बंद रहेगा, तो लोगों को काफी परेशानी भी होगी, क्योंकि जो भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां पर जो बाजार लगता है वहां से खरीदारी भी करते हैं। हालांकि दर्शन के लिए जो है खाटू श्याम जी मंदिर जो है खुला रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। संदीप, क्या जानकारी है, आज पूरी तरीके से बाजार बंद रहेगा खाटू श्याम जी, लेकिन मंदिर जो वो खुला रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जो कि खाटू श्याम जी का मास्टर प्लान जब से बनाया गया है तब से ही लगातार जो संगठन है, जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और पिछले दिनों जब सभी संगठनों की बैठक हुई थी उसमें तय किया गया था कि आज यानी कि 8 अगस्त को जो खाटू श्याम जी के बाजार हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर सभी जो संगठन है, चाहे वो व्यापारिक संगठन है चाहे वो राजनीतिक संगठन है, उन्होंने बंद को समर्थन दिया। तो माना जा रहा है कि स्वैच्छिक, क्योंकि अभी बाजार खुलने का समय हो रहा है तो अभी भी जो बाजार वो बंद ही है, तो माना जा रहा है कि स्वैच्छिक तौर पर आज जो पूरा बाजार है वो बंद रहेगा। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए सूचना है कि मंदिर जो है वो दर्शन के लिए जरूर खुला रहेगा, लेकिन खाटू श्याम जी आने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कस्बे में सभी तरह की दुकानें जो ढाबे हैं वो बंद रहेंगे। जी बिल्कुल संदीप, दूर दराज से लोग खाटू श्याम जी पहुंचते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, बाजार बंद रहेगा, लोगों को काफी परेशानी होगी। लोगों से आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है? देखिए, चूंकि कल रात तक जो है वो बाजार खुले थे, अभी जो बाजार खुलने का धीरे धीरे समय रहा था, अभी इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। दूसरी तरफ से बारिश भी हो रही है तो अभी ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम जी नहीं पहुंच रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे उस वक्त जो है वो ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती छोड़ने का फैसला कर लिया है। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल में पहुंचने के बाद भी विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उसके 24 घंटे के भीतर विनेश ने सोशल मीडिया पर कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है और उन्होंने एक्स हैंडल पर बकायदा एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट गए हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने जो है कुश्ती से संन्यास ले लिया है और सोशल मीडिया पर संन्यास का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने ये लिखा है कि मेरी हिम्मत अब टूट गई है। आपको बता दें कि फाइनल जो है नहीं खेल पाई विनेश फोगाट, 100 ग्राम ज्यादा इनका वेट जो है आया और ये ओवरवेट हो गई, इस वजह से इनका सपना टूट गया। जैसे ये खबर आई तो जो है करोड़ों भारतवासियों का भी सपना टूट गया। उम्मीद की जा रही थी कि विनेश फोगाट खेलेंगी तो जो है गोल्ड लेकर के आएंगी, लेकिन फाइनल में वो नहीं खेल पाई और उसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा है मेरी हिम्मत अब टूट गई है, माँ कुश्ती मुझसे जीत गई, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। और उदयपुर से आपको बड़ी जानकारी दे दे, विधायक अमृतपाल मीणा का निधन हो गया है। एमबी चिकित्सालय में उनका निधन हुआ है। सलुम्बर के विधायक अमृतपाल मीणा थे। बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली जो है हॉस्पिटल पहुंचे, अन्य कई पदाधिकारी हॉस्पिटल में मौजूद है। तो देर रात तबियत बिगड़ने पर उनको हॉस्पिटल लाया गया था और हार्ट अटैक से निधन की जानकारी मिली है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सलुम्बर से विधायक थे अमृतलाल मीणा, निधन की खबर जैसे ही सामने आई तो जो है पूरे सलुम्बर में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। कई लोग भी लगातार जुड़े और उनके तरफ से यही कहा गया कि अमृतलाल मीणा लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। आपको बता दें कि 20 साल से वो सक्रिय रहे और
तीन बार बीजेपी ने उनको विधायक का टिकट दिया और तीनों बार उन्होंने जीत हासिल की। लगातार उनका जो स्वभाव रहा बहुत मिलनसार स्वभाव रहा, लोग यही कहते हुए नजर आए। लोगों के बीच वो पहुंचते थे, उनकी समस्याओं को जानते थे, उनके परेशानी को जानते थे। लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं एक बार आप सुनिए। अभी उनका देवासन हम सेमारी के पास उनके गांव में करेंगे, 2 बजे का समय दिया, परंतु सलूम्बर के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से आग्रह है कि एक बार अंतिम दर्शनों के लिए उनको सलूम्बर भी लाया जाए। तो यहाँ से सलूम्बर होकर सलूम्बर अंतिम दर्शन के लिए रखकर थोड़ा देर फिर उनके गांव में ले जाने का अंतिम संस्कार उनके गाँव में ही करेंगे, क्योंकि गाँव से उनको बहुत बहुत प्रेम था और गाँव में निवास करते थे। आज उनका पूरा परिवार यहाँ पर है, उनके बच्ची विशेष तौर से बहुत हिम्मत करके हमारे साथ रात्रि से ही खड़ी है। तो मैं समझता हूँ इतना हिम्मतवर परिवार है, और कल विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी में वो लोग लगे हुए थे, तो अचानक से विधि का विधान क्या है कुछ कह नहीं सकते। निश्चित रूप से एक अच्छे जनप्रतिनिधि का, एक अच्छे कार्यकर्ता का, एक अच्छे नेता का और एक अच्छे समाज सेवक का हमारे बीच से अचानक चले जाना, इस प्रकार का वज्राघात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, सलूम्बर क्षेत्र की जनता के लिए और पूरे उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे सलूम्बर के लोकप्रिय विधायक जनजन के विकास पुरुष जो शांत हो गए, वास्तव में पूरे सलूम्बर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक वज्रपात हो गया है। मैं उनके परिवार को ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा शांति देवे। वास्तव में रात में उनके एक सिस्टर तितली रहते हैं वहीं वो थे, तो रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, राजस्थान हॉस्पिटल जो सेक्टर 14 में है वहाँ लेके आए, वहाँ से फिर डॉक्टर ने यहाँ के लिए रवाना कर दिया और यहाँ लाने के बाद में वो शांत हो गए। तो वास्तव में ऐसे विकास पुरुष हमको मिल नहीं सकते हैं जो जनता के दिलों में बसे हुए थे। निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना है। आदरणीय अमृतलाल जी लगातार 3 बार हमारे सलूम्बर के विधायक रहे, जन जन के वो नेता हैं, और इनका अभी जो सपना था कि जाखम का पानी जय संबंध में अभी बजट में इन्होंने बहुत प्रयासों से अभी कराया और सबसे ज़्यादा बजट सलूम्बर को दिलवाया। कल ही हमारी बात हुई थी, कल वृक्षारोपण कार्यक्रम में, और आज अभी ओडा में उनके साथ हमें उद्घाटन कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन रात को 3:30 बजे फ़ोन आया कि उनके स्वास्थ्य खराब है, फटाफट हॉस्पिटल आइए। हम जिलाध्यक्ष और हम लोग पार्टी के लोग 4 बजे हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ पता लगा कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी ये घटना है, और वास्तविकता में हमने एक ऐसे आदिवासी नेता और ऐसे हमारे लोकप्रिय हमारे प्रत्याशी और लोकप्रिय विधायक हमारे रहे उनको हमने खो दिया है, और उनके ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि उन अपने श्री चरणों में स्थान देवे। तो अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आपको बता दें कि जो है जैसे ही ये खबर सलूम्बर में लगी तो शोक का माहौल देखने को मिल रहा है, और तमाम बीजेपी के नेता जो कि प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए, उन्होंने यही कहा कि उनके साथ जब भी वो मिलते थे तो लगातार वो विकास की बात करते थे। अमृतलाल मीणा लगातार राजनीति में सक्रिय रहे, लोगों के बीच पहुँचते थे, लोगों की समस्याओं को जानते थे। और हमारे साथ मदन राठौड़ जो कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वो भी जुड़े थे, उन्होंने यही कहा कि उनसे लगातार बातचीत होती थी, वो यही कहते थे कि ये परेशानी है इसको हल करना है, लगातार विकास की बात उनके तरफ से जो है वो किया जाता था। अमृतलाल मीणा की अगर हम बात कर ले, आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्र में भी उनकी एक अलग पहचान थी, और जो है कल ही आदिवासी दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही थी, और लोगों ने यही कहा कि लोग जब भी उनसे मिलते थे तो लगातार वो विकास की बात करते थे, लोगों से जो है यही जानने की कोशिश करते थे, कोई परेशानी तो उनको नहीं हो रही है। साथ ही साथ हमारे साथ जो है मन्नालाल रावत उदयपुर सांसद वो भी जुड़े हुए थे, उन्होंने यही कहा कि कोई भी परेशानी होती थी तो आते थे, बातचीत करते थे, लगातार विकास की बात की जाती थी। और देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई, आपको बताया कि अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हुआ, देर रात जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया और इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस ली। लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोगों का यही कहना है कि राजस्थान बीजेपी को ये बड़ी क्षति लगी है, क्योंकि जिस हिसाब से छवि थी अमृतलाल मीणा की वो लोगों को काफ़ी पसंद आती थी, लोगों से जब वो बातचीत करते थे, उनके बीच पहुँचते थे तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था, और यही वजह शायद थी कि उनको 3 बार राजस्थान बीजेपी ने विधायक का टिकट दिया और तीनों बार उन्होंने जीत हासिल की। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, और हमारे साथ संवाददाता भी कपिल जो है उदयपुर से जुड़े, लगातार उन्होंने अपडेट दी कौन कौन से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उसकी भी उन्होंने तस्वीरें दिखाई, और
जैसे ये खबर सामने आई तो लोगों में काफी ज्यादा शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर अमृतलाल मीणा की बात कर ले, किसान परिवार से अमृतलाल मीणा आते थे, बीजेपी में कई अहम पदों पर जो है अमृतलाल मीणा रह चुके, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो है थोड़ी ही देर में उनके पैतृक गांव जो है वो उनका शरीर पहुंचेगा और वहीं पर लोग पहुंचेंगे आखिरी दर्शन करने के लिए। जितने भी नेताओं को खबर लग रही है, लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि अमृतलाल मीणा का जो स्वभाव था काफी मिलनसार था, और जैसे ही हार्ट अटैक की खबर जिसने भी सुनी वो स्तब्ध रह गया। प्रतिक्रियाएं लोग क्या कुछ दे रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अमृत जी की घटना सुनकर के हमें बड़ा दुख हुआ है। अमृत जी एक लोकप्रिय जननायक थे, जनता के कामों के लिए संघर्ष करते रहते थे, चाहे विधानसभा हो चाहे क्षेत्र में हो। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ कि जब वो घर से निकलते थे तो कई दिनों तक घर पे आते नहीं थे, जनता के बीच में रहते थे, जनता के साथ रहते थे, जनता के कामों के लिए संघर्ष करते रहते थे। ऐसे कार्यकर्ता की मौत होने के बाद में हमको एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी क्षति की तो पूर्ति हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दें। तो देखिए, जो लोग भी ये खबर सुन रहे हैं वो काफी ज्यादा शॉक भी हो गए, क्योंकि अगर बात हम अमृतलाल मीणा की करें तो बीपी शुगर की बीमारी तो उनको थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो हमारे बीच से चले जाएंगे। लोगों का यही कहना है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। अभी जो है हॉस्पिटल में ही उनका शरीर है, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद से पैतृक गांव जो है अमृतलाल मीणा का शव पहुंचेगा। सुबह जैसे ही ये खबर सामने आई लोग भी पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर, कई लोग पहुंचे हैं, कई नेता भी पहुंचे। और अमृतलाल मीणा की एक बेटी है जो कि देर रात से ही जो है अमृतलाल के साथ रही। जैसे ही उनको हार्ट अटैक आया तो वो हॉस्पिटल लेकर के पहुंची, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन रात को ही उन्होंने आखिरी सांस ली। तो आपको बताया कि सलुम्बर से जो है अमृतलाल मीणा विधायक थे, और कई बार वो घर से बाहर निकलते थे विकास कार्य के लिए, जब लोगों के बीच पहुंचते थे तो लोगों के बीच ही वो रहते थे, कई दिनों तक वो घर नहीं जाते थे। जिस हिसाब से उनका स्वभाव था वो लोग याद कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि जब भी उनको समय मिलता था तो वो लोगों के बीच पहुंचते थे, आम जनता के बीच पहुंचते थे, उनसे जो है उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करते थे। शायद यही वजह थी कि अमृतलाल मीणा को राजस्थान बीजेपी ने जो है 3 बार टिकट दिया और तीनों बार उन्होंने जीत हासिल की। सलुम्बर से अमृतलाल मीणा जो है वो विधायक थे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तीसरी बार जो है अमृतलाल विधायक बने थे। एमबी चिकित्सालय में उनका निधन हुआ और तमाम नेता भी हमारे साथ जुड़े। उनका यही कहना कि एक स्तब्ध कर देने वाली घटना सामने आई है कि किसी को अंदाजा नहीं था कि अमृतलाल मीणा, जिनकी छवि इतनी अच्छी थी, लोगों से वो इतने अच्छे से बातचीत करते थे, वो इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। तमाम लोग जो है प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम ने भी जो है सीएम भजनलाल ने ट्वीट किया है, उन्होंने भी दुख जताया है। वो आपको बता दे उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अत्यंत दुखद, सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्री अमृतलाल जी मीणा का हृदयघात से निधन का समाचार से स्तब्ध हूं। यह भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। ओम शांति। ये सीएम भजनलाल के तरफ से लिखा गया है, जो उन्होंने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अत्यंत दुखद, सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्री अमृतलाल जी मीणा का हृदयघात से निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। यह भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। ओम शांति। तो जो एक्स हैंडल पर ट्वीट सीएम भजनलाल की तरफ से किया गया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 दशक से आपको बता दें कि अमृतलाल मीणा जो है वो सियासत कर रहे थे, एक अच्छी पहचान थी उनकी। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, जो भी नेता हमारे साथ जुड़े, उन सभी ने जो है अमृतलाल की तारीफ की। उनका यही कहना है कि उनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार रहा है, 20 साल राजनीति में वो सक्रिय रहे। आपको बता दें कि सलुम्बर जिले के लालपुरिया गांव में साल 1969 से जन्मे अमृतलाल मीणा करीब 20 साल राजनीति में सक्रिय रहे।
और विधायक कैलाश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, जैसे ये खबर सामने आई, जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। हार्ट अटैक से जो है अमृतलाल मीणा का निधन हुआ, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपकी मुलाकात हुई हो, किस तरीके की वो बातें करते थे, उनका क्या स्वभाव रहा, वो जरा बताइए। जी अमृतलाल जी, अभी हमारा जो विधानसभा का सेशन चल रहा था और ठीक मेरे सामने मेरे पास में ही अमृतलाल जी बैठते थे। जैसा उनका मिलनसार स्वभाव था मैंने देखा, बहुत राजनीति में 30 साल से वो सक्रिय थे और हमेशा मेरे से भी आके कभी चर्चा करते थे, आप युवा विधायक हो, मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ। और जब उनका विधानसभा के अंदर भाषण मैंने सुना तो आदिवासियों की जो आवाज अमृतलाल जी बन के निकले थे, उनका जो राजनीतिक करियर था, और मेरे को आज बहुत बड़ा ऐसा एक दुख हुआ कि अभी 6 तारीख को हम साथ थे और किसी प्रकार का ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, और जैसे ये समाचार सुना तो मेरे को इतना दुख हुआ है। तो मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि पूरे परिवार को एक संबल प्रदान करे। अमृतलाल जी आदिवासी उदयपुर की एक ऐसी आवाज थे जो ना कहीं सलुम्बर के लिए नहीं अपितु पूरे राजस्थान के लिए, अपितु पूरे राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत मिलनसार कार्यकर्ताओं की आवाज थी। तीसरी बार विधायक रहे, हमेशा जनता के लिए अपने एरिया के लिए सजग रहते थे। मैं हमेशा पूछता था अमृतलाल जी इतने क्वेश्चन कहाँ पुट अप करते हो, तो हमेशा बोलते थे कि मैंने ये क्वेश्चन किया, मैंने ये याचिका लगाई, मेरा 295 आया कि नहीं आया। तो ऐसे मिलनसार विधायक का हमारे बीच में से जाना एक बहुत बड़ी सती है, मगर मेरा परमपिता परमेश्वर से एक कामना रहेगी इस परिवार को इस दुख की घड़ी के अंदर सबल प्रदान करे। हम हमेशा अमृतलाल जी के परिवार के साथ है, इनकी जो सती हुई है इसको भरना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कैलाश जी, आप जरूर उनसे मिलते होंगे, बातचीत भी हुई होगी। जिस हिसाब से कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि उनको बीपी शुगर की दिक्कत तो थी, लेकिन क्या परेशानी थी और भी ज्यादा कि उनको हार्ट अटैक आए, उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। कि आपसे बातचीत में उन्होंने कुछ बताया कि उनकी तबियत खराब रहती है या कोई टेंशन, इस तरीके की बातें? अभी जब हमारा सेशन था तो सेशन के अंदर एक बार विधानसभा चल रही थी तो वो विधानसभा के अंदर ही थोड़ा सी लेटे हुए थे, तो मैंने उनको जगाया कि विधानसभा आप हां पक्ष के अंदर जाके थोड़ा आराम कर ले। बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। फिर जब मैं हां पक्ष में गया तो मैंने पूछा अमृतलाल जी तबियत वगैरह तो ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मेरी तबियत ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, युवा हूँ। कभी उन्होंने मेरे से इस प्रकार का डिस्कस किया नहीं, मगर मैं जब भी देखता था तो मैं उनसे पूछता भी था भाई कोई इस प्रकार की कोई बात है, मगर कभी उन्होंने शेयर किया नहीं। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो उठने का टाइम था, सोने का टाइम था, खाने पीने का, हमेशा अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल करते थे हर चीज को, मगर इस प्रकार का ये हो जाना, ये मेरे लिए ही जैसे मैंने अभी सुना है, सुनते ही मैंने मेरे साथी विधायकों से भी बात हुई कि अमृतलाल जी जो अपने साथी थे ठीक मेरे से जस्ट आगे ही वो बैठते थे, मगर ऐसी कोई बात कभी उन्होंने बताई भी नहीं, और स्वस्थ थे बिल्कुल, हंसी खुशी से बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी 6 तारीख को जब सेशन अनिश्चित काल के लिए विधानसभा एडजोन हुई, हम बैठे चाय पिए और बोले अगले सेशन के अंदर मिलेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मगर इतना जरपात परिवार के ऊपर टूटना ये एक बहुत बड़ी सती है मैम, मगर फिर एक इतनी बड़ी बात निकल के आना कि मैं देख रहा था तीसरी बार वो सलमपुर से विधायक रहे, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, और उनका मैंने 13 से 18 भी मैं उनके साथ में एमएलए रहा, और अभी 23 से जो लगातार हमारा ये माननीय भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व के अंदर चल रही, इनमें भी मैं एमएलए था, मेरे से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे संबंध थे। मैं तो एक यूं समझू कि वो मेरे पिता समान थे, मगर कभी भी कोई बात निकल के आती थी मैं उनसे चर्चा करता था हर बात के अंदर, आप इतने वरिष्ठ हो, वरिष्ठ होते हुए भी आप हमेशा इतने सक्रिय रहते हो, तो वो यही कहते थे हमेशा कि मैं यहाँ से निकलने के बाद में अमृतलाल जी आप कहाँ जाएंगे, बोले मैं घर बाद में जाऊंगा, पहले पब्लिक के बीच में जाऊंगा। और इतने बड़े अनाउंसमेंट इस बजट सेशन के अंदर उन्होंने कराए, ठीक यूं कहूं कि ऐसे कार्यकर्ता का, ऐसे विधायक का हमारे बीच में से जाना एक बहुत बड़ा वज्रपात है, एक बहुत बड़ी सती है, मगर इस सती को पूरा करना तो अमुमकिन है,
मगर फिर भी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि पूरे परिवार को, उदयपुर जिले के कार्यकर्ताओं को और स्लम्बर के कार्यकर्ताओं को इस दुख की घड़ी के अंदर संबल प्रदान करे। मेरी हमेशा जो शुभकामनाएं थी उनके साथ रहती थी। मैं तो हमेशा इनके परिवार से भी, मेरे को अभी लास्ट टाइम जब वो जा रहे थे तो मेरे को बोला कैलाश जी सलूम्बर आना, परिवार के साथ में बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे, बात करेंगे। तो मैंने ये भी पूछा भाई पिछले सेशन में तो आप कभी नहीं बोलते थे, अब की बार इतना क्यों बोल रहे हो मेरे को। बोले नहीं आप मेरे को अच्छे लगते हो, हमेशा गले मिल के बात करना, हाथ मिलाना, आपका बैग अच्छा है, आप मोबाइल अच्छा रखते हो। तो ऐसे इतनी अंदर जाके धरातल की बात करना एक अच्छा कार्यकर्ता ही कर सकता है। एक अच्छे विधायक के रूप में पूरी राजस्थान विधानसभा के अंदर उनकी चर्चा थी। अभी लास्ट टाइम जो आदिवासियों के लिए उन्होंने जो भाषण भी दिया था राजस्थान की विधानसभा के अंदर, वो भी एक बहुत अच्छा भाषण था जिसमें गांव गरीब किसान की आवाज थी। बिल्कुल कैलाश जी, जिस हिसाब से अमृतलाल मीणा का स्वभाव था, लोगों को वो काफी पसंद आते थे, लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याओं को जानते थे, राजनीति में भी वो काफी सक्रिय रहे, धरातल पर उतरते थे, लोगों की समस्याओं को जानते थे। शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक अमृतलाल मीणा का निधन, जैसे ही ये खबर सामने आई तो जो लोग भी सुन रहे हैं वो स्तब्ध रह गए। अभी हमारे साथ कैलाश जी भी जुड़े थे जो कि विधायक, उन्होंने यही कहा कि उनका मिलनसार स्वभाव था, जब भी वो मिलते थे विधानसभा में, जब भी उनसे बातचीत होती थी तो वो लगातार सक्रिय थे। कई बार जो है कैलाश जी ने कहा कि वो उनसे जाकर के गाइडेंस लेते थे कि वो इतने सक्रिय कैसे रहते हैं, जो है उनसे कई तरीके की उन्होंने बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ चीज़ें भी शेयर की कैलाश जी ने। उन्होंने कहा कि जो है अमृतलाल जी ने उनको आमंत्रण दिया था कि वो घर पर आए, घर पर जो है खाना खाएंगे, साथ बैठेंगे, और कई बार जो है वो लोगों की तारीफ भी करते हुए दिखे थे। कैलाश जी ने यही कहा कि अमृतलाल जी जो है पहुंचते थे विधानसभा में तो जब बातचीत होती थी तो कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में वो जिक्र करते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको कोई टेंशन थी, उनको कोई परेशानी थी। हमेशा से ही चेहरे पर एक खुशी जो है वो अमृतलाल मीणा के चेहरे पर दिखती थी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से अमृतलाल मीणा को जो है हार्ट अटैक आएगा और उनका निधन हो जाएगा। काफी लंबे समय से अमृतलाल मीणा जो है राजनीति में सक्रिय रहे, लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। कैलाश जी जो कि विधायक, वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि वो पहुंचे थे, कई बार उनसे बातचीत भी उन्होंने की, और हर बार तो वो नहीं कहते थे कि आप घर आइए, लेकिन लास्ट टाइम जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप कभी समय मिले तो समय निकाल करके घर आइए, साथ में बैठेंगे, खाना खाएंगे और तमाम चीजों पर बातचीत की जाएगी।